नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप रुपया छाप सकते हैं, क्योंकि हर कोई छाप रहा है और इसमें कई सारी जो कॉमन कंपनियां हैं जिसका नाम आप जानते हैं, जिसका ग्रुप जानते हैं, कई सारी बेहतरीन कंपनियां हैं जिसको हमने पीछे भी बताया है। दोस्तों सबसे पहले बता दें, आप रुपया उसी शेयर में बना सकते हैं जिसको आपने खुद रिसर्च करके ढूंढा है और जिस कंपनी के बिजनेस को आप खुद जानते हैं और जो टेक्निकल एनालिसिस है आपका, वो टेक्निकल एनालिसिस आपको कहता होगा हाँ इसमें बाइंग बनता है और ये आपको एक रिटर्न दे सकता है। और उसी में भी आप जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड बनाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान देना है, जो टीवी चैनल्स पर पॉपुलर स्टॉक्स है वो निफ्टी 50 का छोड़ करके, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उस वो टीवी चैनल्स पे कुछ नहीं होने वाले हैं। जैसे रिलायंस में कितनों टीवी चैनल्स पर चर्चा करें, कुछ रिलायंस में अप्स एंड डाउन्स होने वाला नहीं है टीवी चैनल से, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप, वो टीवी चैनल्स पर जो बार बार चर्चा किए जाते हैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। तो ये सबसे पहला आपका याद रखना चाहिए कि टीवी चैनल्स पर जिस स्टॉक को बार बार ये किया जा रहा हो उस स्टॉक में आप रुपया नहीं बना सकते। वो एक दो दिन तक आपको मूव करेगा, उसके बाद वो मूव करना बंद कर देगा। ये मैंने भी कई बार इन्वेस्ट करके सीखा है। जैसे अशोक लीलैंड, उसकी बार बार चर्चा की जाती थी टीवी पर जब हम नए थे स्टॉक मार्केट में, मैंने भी उसमें इन्वेस्ट किया था। वो 10 रुपया ऊपर गया, उसके बाद वहां से 50 रुपीज नीचे आ गया। तो समझ सकते हैं अशोक लीलैंड जो कि 50 रुपये का भी शेयर है, वो करीब 165 रुपया का शेयर हुआ करता था जहां पर हमने इन्वेस्ट किया था। 10 रुपया ऊपर गया, उसके बाद वो 125 तक आ गया था। तो टीवी चैनल्स पे याद रखना है, जिस स्टॉक की चर्चा बार बार हो निफ्टी 50 का छोड़ करके, जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसके चर्चा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है खास। और जो छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करने से बचें जो टीवी पर खास करके चर्चा किया जा रहा हो। तो आपको खुद रिसर्च करना है, इसलिए हम अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताते रहते हैं, उसमें से आपको अपना का एनालिसिस करना है। और जो स्टॉक्स अपना 52 वीक हाई लगा रहा है जिसमें 10% का तेजी है, आपको मान लीजिए वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो उसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, क्योंकि जो फार्मा सेक्टर के अभी स्टॉक है, आईटी सेक्टर के स्टॉक है, उसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही तेज है। तो फार्मा के कोई भी स्टॉक देखिएगा, जनरली 90% स्टॉक्स में काफी तेजी है, 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है 90% स्टॉक। तो इसलिए आपको आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इस सब में आपको जो टेक्निकल एनालिसिस अभी कुछ नहीं बताएगा, पोजीशन ट्रेडिंग बनता है या नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बनता है उसमें या नहीं, क्योंकि सारे स्टॉक्स काफी हाई प्राइस पे चल रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक में सबसे पहले आरती ड्रग्स, पीछे भी एक वीडियो में हमने बात किया था, तो इसमें देख सकते हैं एक दिन में अभी भी 376 रुपया, देख सकते हैं 376 रुपया एक दिन में तेज है, मतलब 20%, जिसके लिए हम साल भर होल्ड करते हैं तो भी हमें 20% का रिटर्न नहीं मिलता है कई सारे स्टॉक में, एक दिन में ये 20% दे रहा है। 5 डेज में देखिएगा तो 5 डेज में इसका रिटर्न देखिए कितना बेहतरीन है, 29%। 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में भी रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है, 1 मंथ में 70%, 1 मंथ में 70% का रिटर्न। 6 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, मतलब जिस टाइम फ्रेम पर आप देखिए ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 6 मंथ में 257% का रिटर्न। वहीं अगर आप पैंडमिक से बात करेंगे, पैंडमिक में जो गिरावट आया था वहाँ से, तो वहाँ से 360% का रिटर्न। इस स्टॉक के चर्चा मैंने पीछे भी किया था, और ये स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम पर देखिएगा तो ये पहली बार ये स्टॉक्स नहीं है कि इतना तेज है। आप लॉन्ग टर्म चार्ट लगाते हैं, यहाँ पर देखिए 2014-15 में ये स्टॉक्स था, आपको यहाँ पर देख लीजिए 97-96 रुपीज़ का 2014 के शुरुआत में देखिएगा तो 100 से ऊपर का था, और यहाँ से देखिए ये 2015 के शुरुआत में कहाँ चला गया, 624% रिटर्न दे दिया 2015 के अप्रैल तक में, जनवरी 2014 से अप्रैल 2015 तक में 624% का रिटर्न, मतलब 100 रुपया से ये पहुंच गया 809 रुपीज़ तक। तो इस स्टॉक में पहले भी तेजी देखने मिला है, और 2015 के बाद फार्मा सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा, तो देखते हैं इतने लंबे टाइम फ्रेम तक ये अंडर परफॉर्म रहा, अब वहाँ से ये देख सकते हैं इतनी भयंकर तेजी, तो डायरेक्ट लग रहा है ये एक पहाड़ी वाला चट्टान बना रहा, एक पहाड़ी वाला चट्टान।
तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट भी करना है तो थोड़ा सतर्क रह करके, क्योंकि यहाँ से अगर ये वापस लौट गया, लोअर सर्किट लगने लग गया, तो फिर तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉप लॉस लगाइए और हमेशा सतर्क रहिए कि उस स्टॉक में जो है आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें लोअर सर्किट लगने वाला स्टॉक नहीं हो। जैसे ये देखिए, इस स्टॉक में जल्दी सर्किट नहीं लगेगा, ये सर्किट 20% पर होगा मान लेते हैं सर्किट, तो ये लास्ट में जाकर लगा। 20% वाले में जल्दी सर्किट नहीं लगेगा, 5% वाले 10% में तुरंत सर्किट लग जाएगा। तो ये सब रिस्क आपको ध्यान रखना है। इस स्टॉक में ट्रैप हो गए तो आप जितना आप अर्न नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आप लूज कर देंगे अमाउंट। उसके बाद दूसरा जो हमारा है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, ये भी स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी में, पिछले के वीडियो में हमने बताया भी था, एक दिन में देखते हैं 10% तेज है, इसमें भी सर्किट लगा हुआ है। 5 डेज में देखिएगा तो भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 डेज में देखिएगा 53%, मतलब लगातार डेली का डेली इसमें सर्किट लग रहा है। 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में भी काफ़ी बेहतरीन 81%, आप देखिए 6 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 6 मंथ में देख लीजिए, 6 मंथ में भी 226% का रिटर्न। तो देखते जाइए आप, यहाँ पर देख लीजिए ईयर टिल डेट में भी काफ़ी, 5 ईयर्स में देखते हैं तो 5 ईयर्स में ये स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म है। अगर यहाँ पर बात करें तो 2017 में ये स्टॉक 681 रुपीज़ का था, अभी ये वहाँ पर पहुँच ही रहा है। अगर यहाँ पर बात करें 2015 में तो मात्र 250 रुपये का था, तो वहाँ पे इससे भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 151% का दे रहा है। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में इसका चार्ट देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। 2014 में मात्र 55 रुपीज़ का स्टॉक्स था, तो वहाँ से अच्छा रिटर्न दे रहा है, और अभी तो इसमें तेज़ी आप देख ही रहे हैं, पर डे 10% का अपर सर्किट। तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा वाइजली, थोड़ा बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा, जो भी टीवी पर ज़्यादातर स्टॉक दिखाए जा रहे हैं वो आपको 1 से 2 दिन तेज़ी देखने मिलेगा, और उसके बाद उसमें आपको तेजी नहीं मिलेगा। तो टीवी पर सतर्क रहिएगा, जो स्टॉक बार बार दिखाया जा रहा हो उसमें इन्वेस्ट करने से बचना है। उसके बाद अगला है बिरला सॉफ्ट। दोस्तों ये भी स्टॉक्स काफ़ी मतलब बेहतरीन है। इस स्टॉक में पहले हम इन्वेस्टेड थे, लेकिन मैंने इसको बेच दिया था 98 रुपीज़ पर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यह हाई बना रहा था तो उसी समय मैंने बेच दिया। इसको मैंने लिया था जब ये बिरला सॉफ्ट और कैपिट टेक्नोलॉजी दोनों एक कंपनी हुआ करता था, उसी समय मैंने लिया था। अब दोनों कंपनी अलग अलग हो गई है, तो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक को मैं पहले से ही जानता हूं और इस पर मैं पहले से इन्वेस्टेड था, लेकिन मैंने इसे सेल कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2005 से अभी तक देखिएगा रिटर्न, तो 2000% का रिटर्न दिया है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहता है इसमें। तो अभी ये अप साइकिल में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डाउन साइकिल में ये कब आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रिटर्न आप थोड़ा बुद्धिमानी से ही बना सकते हैं। आईटी सेक्टर का स्टॉक है, काफ़ी तेज़ी है आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक में। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है। मात्र देखते हैं 50 रुपीज़ का स्टॉक था, वहाँ से 144 आ चुका है और रोज़ 20% का अभी सर्किट चल रहा है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे 200 को पार कर जाएगा। उसके बाद इसी का जो हमने कहा भाई कैपिट टेक्नोलॉजी, उसको लिया है। इसमें भी देखते हैं 5% का सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए, देख लीजिए 105% का रिटर्न दिया है मार्च, जो हमारा 27 मार्च था वहाँ से। ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक्स भी 9900 रुपीज़ के हुआ करता था, वहाँ से काफ़ी गिरावट आया मार्च में और काफ़ी अभी तेज़ी है। तो इन सब स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा है विष्णु केमिकल्स। केमिकल सेक्टर के स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी है, फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर, तीन सेक्टर है, और साथ एग्रो केमिकल, मतलब केमिकल में सब आ गया, एग्रो केमिकल हो, स्पेशलिटी केमिकल्स हो या फार्मा से रिलेटेड केमिकल कंपनी हो, सब में काफ़ी तेज़ी है। ये भी स्टॉक देखिए 20% का तेज़ी एक दिन में, 5% में देखिएगा तो काफ़ी तेज़ी है। तो ये देख लीजिए 41%, 1 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी तेज़ी है, 1 मंथ में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न। ईयर टिल डेट में देखिएगा तो कुछ खास नहीं है, ईयर टिल डेट में रिटर्न देखिएगा तो कुछ खास नहीं है, 70% का रिटर्न। तो यहाँ पर 5 ईयर्स में देखिएगा तो काफ़ी अंडर परफॉर्म है ये स्टॉक्स, मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो भी काफ़ी अंडर परफॉर्म है। तो इन सब स्टॉक में आपको जो है अभी आप मोमेंटम आगे देखने मिल सकता है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। बिना फंडामेंटल्स को चेक किए कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला है तो सक्सॉप लिमिटेड। ये भी स्टॉक्स अभी काफ़ी तेज देखने मिल रहा है, 70% का तेजी देख सकते हैं। 5 डेज में सबसे पहले देखते हैं, 5 डेज में 15.88% का रिटर्न, 1 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी तेज है, 1 मंथ में देखिएगा इसका रिटर्न तो 1 मंथ में 44% का रिटर्न, तो 1 ईयर में देखिएगा तो 1 ईयर में भी
ये फ्लैट है, वन ईयर में फ्लैट है, कुछ खास नहीं है। तो काफ़ी ये सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म थे, मतलब दबे हुए थे। अभी जैसे लग रहा है कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, चाहे एग्रो केमिकल हो, इन सब में आग लगा हुआ है। सारे के सारे स्टॉक जो कि काफ़ी दबे हुए थे, वो सारा का सारा वापस आ रहा है। देखते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी बार अप साइकिल डाउन साइकिल में रहा है, अभी इसका अप साइकिल चल रहा है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे आपको मिल जाता है 100% 50% आप अपना टारगेट रखिए। 50% का है तो 50% जैसे मिला आप एग्जिट हो जाइए ऐसे स्टॉक में, और उसी में से अगर आप 100 क्वांटिटी लिए हैं, अगर 1000 क्वांटिटी लिए हैं तो 10 क्वांटिटी इन्वेस्ट रह सकते हैं, अगर 1000 लिए हैं तो 100 क्वांटिटी इन्वेस्टेड रहिए, और ज़्यादा ऊपर का उसी में प्रॉफिट लीजिए, 900 क्वांटिटी को सेल करके निकल जाइए प्रॉफिट लेकर के। उसके बाद अगला है हमारा बिमता लैब्स। बिमता लैब्स कई सारे हैं, कैपलिन लैब्स, लूज लैब, इपका लैब, आपको हमने दिखाया ही कई सारे, मतलब फार्मा के कंपनी है जिसमें काफ़ी तेज़ी है। देखते हैं 11.95% की तेज़ी एक दिन में, 5 डेज में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। 5 डेज में 33%। दोस्तों इतना रिटर्न के लिए सालों साल अभी आपको जो मिल रहा है जिस सेक्टर में रिटर्न, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 57% रिटर्न 1 मंथ में, 6 मंथ में देखिएगा तो फ्लैट है, और 5 ईयर्स में देख लेते हैं, 5 ईयर्स में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए, मैक्सिमम ईयर में भी देखते हैं काफ़ी अंडर परफॉर्म है स्टॉक। मतलब जितना भी फार्मा सेक्टर के दबे हुए स्टॉक थे सब राइज कर रहा है, सबका सब राइज कर रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है ऐसे में आप इन्वेस्ट करने का। ये तो हो गया, जैसे तैसे आपने स्टॉक देखा जो छोटे छोटे कंपनियां थी। अब देखिए एक बड़ी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इस स्टॉक में भी काफ़ी तेजी, एक दिन में 7.91%, 5 डेज में देखिएगा तो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें देखने आपको मिलेगा, 11.65%, 1 मंथ में देखिएगा तो भी इसमें भयंकर तेज़ी आपको देखने मिलेगा, 1 मंथ में देखिए 17% का तेज़ी, 6 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी तेज़ है, 6 मंथ में थोड़ा सा कम तेज़ क्योंकि हम गिरावट जो मार्च में आया तो 21%। फिर भी आप 5 ईयर्स में देखते हैं तो 5 ईयर्स में देख लीजिए काफ़ी भयंकर आपको रिटर्न देखने मिलेगा, 265। तो साथ ही साथ टाटा का ब्रांड है और जो कंज्यूमर सेक्टर का कंपनी है, ये काफ़ी कम गिरावट आती है लेकिन यहाँ पर गिरावट आया था। इस गिरावट में मैं उस समय स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नया था, तो यहाँ पर ये गिरावट में मैंने ट्रेडिंग इसमें किया था और उसको उल्टा पड़ गया। इंट्राडे में मैंने एक दिन इसमें ट्रेड डाला और ये यहीं पर यही हमारा है मई के आसपास, और उस दिन हमें इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो नया में उस समय हमें पता नहीं था सब चीज़ें बारीकी से, तो इसलिए आपको तो जो डाउन ट्रेंड में है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, जो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का मजा लीजिए। डाउन ट्रेंड में शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो शॉर्ट सेलिंग करना है तो वो शॉर्ट सेलिंग आप किस में कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन है। फ्यूचर वाले में कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग आप लंबे समय के लिए, मतलब 1 मंथ के लिए, 20 दिन के लिए, लेकिन 1 डे के लिए आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं जिसमें अलाउड होगा आपको इंट्राडे करना। तो इंट्राडे पर अभी आपको नहीं जाना है, पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए सीखिए, पहले इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए और साथ साथ पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए। पोजिशनल ट्रेडिंग करने से आपका माइंड क्या होगा, बहुत ही शार्प होगा माइंड, कैसे स्टॉक का प्राइस जाता है, कब जाता है, क्या न्यूज़ आता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, कौन सा सेक्टर जो है किस न्यूज़ पे ऊपर जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखिएगा जब पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिएगा। तो साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लंबे समय में आपका वेल्थ क्रिएट करके देगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद है इपका लेबोरेटरीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसमें देख लीजिए आज 9 पॉइंट का मात्र तेज़ी है लेकिन 5 डेज में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 7.49% का, 1 मंथ में देखिएगा तो भी बेहतरीन रिटर्न, 1 मंथ में तो आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इसमें मिलेगा, 19% का रिटर्न, 6 मंथ में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन, ईयर टिल डेट में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन, मतलब इसमें गिरावट भी पैंडमिक में काफ़ी कम आया था, 1 ईयर में देखिएगा काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 111% का, तो काफ़ी बेहतरीन। ये तो पैंडमिक से भी प्रभावित नहीं हुआ, इसमें कोई प्रभाव खास किसी चीज़ का नहीं पड़ा है, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अब आपको हम एक अलग सेक्टर से स्टॉक बताते हैं, एवर रेडी इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों एवर रेडी आपने सुना है, ज़रूर सुना होगा एवर रेडी, कई सारे मतलब जो क्रिकेट मैच होते थे उसमें एवर रेडी का प्रचार आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था, तो आपने ज़रूर सुना होगा, हमने इसके प्रोडक्ट को यूज़ भी किया है। छोटे छोटे जो सेल होते हैं, जो बैटरी होते हैं,
वो हमने यूज किया था, और इसके बड़े बैटरी भी आते हैं, फ्लैश लाइट आता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आता है, तो बहुत सारी चीज़ें ये बनाता है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। और देखिएगा काफ़ी अंडर परफॉर्म था ये स्टॉक्स, देख लीजिए ये स्टॉक्स चला करता था 2017 में 400 से भी ऊपर, और ये स्टॉक्स आ गया था कहाँ 50 रुपीज़ पे, देख सकते हैं 50 रुपीज़ पे। इसी को कहते हैं वैल्यू बाइंग, मतलब जो 400 का स्टॉक है अगर कंपनी फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ और 50 रुपीज़ में आपको मिल रहा है तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। अभी 50 रुपीज़ के स्टॉक को देखिए, 1 मंथ में रिटर्न 66%। अगर आप ईयर टिल डेट में देखिएगा, चाहे गिरावट में जो आया था वहाँ से देखते हैं, गिरावट में जो आया था तो 251% का रिटर्न, देख सकते हैं 251। ऐसे भी देख सकते हैं 50 रुपीज़ का स्टॉक था 139 चल गया, ये 300 के अप्रॉक्स रिटर्न दे रहा है, 300 के अप्रॉक्स। यहाँ तक 52 वीक लो देखिएगा तो मात्र 34 रुपीज़ है, 34 से यहाँ पर देखिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 4 times रिटर्न, 400% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ पर देखिए लीजिए, ये पहले भी इन्वेस्टर को काफ़ी माला माल कर चुका है। अब 2013 से लेकर के 2018 तक में देखिए, 4 साल में आपके रुपया को 24 गुना किया है, 24 गुना। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी किया जा सकता है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। मतलब ये अप साइकिल में अब जा रहा है, तो अप साइकिल का मजा लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक थे जिसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब भी पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखें, जो टीवी न्यूज़ पर जो भी स्टॉक्स है उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट के लिए आप कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चुन सकते हैं जिसका बिजनेस आगे 10 सालों तक के लिए मतलब ग्रो करता रहे, तो वैसे कंपनियों को आपको चुनना है लॉन्ग टर्म के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, अप साइकिल में है, उस स्टॉक को चूज करना है। साथ ही साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कभी इन्वेस्ट ना करें, और अपना रिसर्च खुद जरूर करें और उसका टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों कर लें पोजिशनल ट्रेडिंग करने से पहले। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।